कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। मेटल बाजार के बारे में बात करेंगे, मेटल बाजार में जानेंगे LME और M6 की आज की कीमतों के बारे में, देखेंगे किस तरह की कीमतें मेटल बाजार में लंदन मेटल एक्सचेंज में चल रही है, किस तरह कारोबार दिल्ली और मुंबई के बाजार में आज देखा जा रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो मटेरियल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो फेड की मीटिंग में जो फैसला लिया गया 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसका इफेक्ट अब बाजारों में धीरे धीरे पड़ता हुआ नजर आने लगा है। बाजारों में ऊपरी स्तर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ग्लोबली बाजारों पर मटेरियल बाजार पर उसका इफेक्ट देखने को मिला है। अब सबसे पहले LME यानी लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमतों के बारे में बात करेंगे, सबसे साथ ही जानेंगे बेस मेटल में M6 में किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है आज सुबह के सेशन में। तो कॉपर का LME में जो लेवल है वो 7,637 रुपए रहा है, 649 रुपए अंश कीमतें कॉपर में देखी गई है। एल्यूमिनियम का लेवल 2,218 रुपए LME में है, 196 रुपए अंश का रेट आप एल्यूमिनियम में देख कर चल सकते हैं। लेड की कीमतें 1,852 रुपए LME में है, 179.90 रुपए अंश का रेट लेड में देखा जा रहा है। जिंक की कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए 3,099 रुपए जिंक का रेट आप LME में देख कर चल सकते हैं, 280 रुपए अंश कीमतें जिंक में देखी जा रही है। गोल्ड की कीमतें 1,676 रुपए 70 पैसे कॉमेक्स में देखी जा रही है, 49,945 रुपए अंश का रेट गोल्ड में चल रहा है। गोल्ड में अब धीरे धीरे से रिकवरी देखने को मिल रही है, उसी के साथ साथ सिल्वर एंड चांदी में भी हल्की फुल्की रिकवरी के साथ अब कारोबार देख कर चल। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कारोबार देख कर जा सकते हैं। सिल्वर के बारे में बात करी जाए 19.60 रुपए कॉमर्स की कीमतें हैं सिल्वर में और 58,010 रुपए आप बाजारों में सिल्वर का रेट M6 में देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें 82.90 रुपए कॉमर्स में चल रही है, 6,747 रुपए M6 का लेवल क्रूड ऑयल में बाजारों में देखा गया है। अब इसके अलावा अगर मेटल बाजार के बारे में बात करते हैं, बेस मेटल के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही कारोबार बाजारों में हो रहा है। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 681 रुपए है, कॉपर सुपर एसजी कीमतें 712 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 670 रुपए चल रहा है। एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात करी जाए, एल्यूमिनियम बर्तन का रेट 171 रुपए है, एल्यूमिनियम वायर स्क्रैप की कीमतें 195 रुपए है, एल्यूमिनियम पुर्जे का रेट 143 रुपए है। जिंक के बारे में जान लेते हैं, जिंक हिंदुस्तान का रेट 285 रुपए है, लेड की कीमतें 177 रुपए है, लाइबिलिटी का रेट 190 रुपए चल रहा है। बैटरी स्क्रैप की जो कीमतें आप देख सकते हैं वो 95/113 रुपए है। निकल के बारे में अगर बात करते हैं, 2010 रुपए निकल की कीमतें हैं दिल्ली मेटल बाजार में, ट्रिन नागे का रेट 1795 रुपए है, ब्रास फीटर कीमतें 462 रुपए और SS बर्तन स्क्रैप का रेट बाजारों में आप 70 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के बारे में अगर बात करी जाए, कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें मुंबई के बाजार में 650 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 646 रुपए है, ब्रास स्क्रैप की कीमतें मुंबई के बाजार में आप 462 रुपए देख सकते हैं, एल्यूमिनियम स्क्रैप की कीमतें एल्यूमिनियम टेंसिल स्क्रैप का रेट 154 रुपए बाजारों में चल रहा है। इंगट के बारे में अगर बात करी जाए, जिंक इंगट का रेट 287 रुपए है, लेड इंगट कीमतें 190 रुपए चल रही है, टिन इंगट का रेट 1838 रुपए है, निकल कैथोड की कीमतें 2,075 रुपए मुंबई के बाजार में देखी जा रही है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, ट्रेडिंग रेंज के बारे में। तो प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए जो कारोबार देखा जा रहा है उसमें हम आपको गिरावट पर, अगर आपके पास जितनी जरूरत है, जितनी कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास जितनी है, उस हिसाब से आप व्यापार करके चल सकते हैं। जरूरत के हिसाब से आप अभी भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल के बारे में, तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 662 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 675 रुपए है, लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 176 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 178 रुपए है, जिंक में एक अच्छा सपोर्ट आप 278 रुपए का देख सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करी जाए, जिंक में 288 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। निकल के बारे में अगर बात करते हैं, सपोर्ट का लेवल निकल में 1970 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 2030 रुपए निकल में बाजारों में देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से फ्रेड की मीटिंग का जो इफेक्ट है अब धीरे धीरे ग्लोबली बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजारों पर, मटेरियल बाजार पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में और भी आ सकती है, हल्की फुल्की आपको रिकवरी यहाँ से देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो दोबारा से आपको थोड़ी बहुत नरमी के साथ आने वाले समय में कारोबार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करी जाए, इस फ्लैट ही ट्रेंड नजर आ रहा है, स्टेबल है, बाजारों में ज्यादा तेजी मंदी की उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।